सुल्तानपुर की ताइक्वांडो चैंपियन शाहीन बानो ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। शाहीन बानो ने अभी हाल ही में 15 जून को महाराष्ट्र के नासिक जिले में आयोजित इंडिया ताइक्वांडो नेशनल रैंकिंग कंपटीशन 2022 में तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक हासिल किया है। शाहीन बानो जूनियर गर्ल्स अंडर वेट 55 कैटेगरी की खिलाड़ी है। जूनियर रैंकिंग टॉप प्लेयर्स की आयोजित 5 दिवसीय प्रतियोगिता में देश के 9,000 प्रतियोगियों ने भाग लिया। जी मैंने 2019 में मेरा इंटरनेशनल गोल्ड रहा है और मैं एशियन चैंपियनशिप के लिए गई थी जॉर्डन, जो कि मेरी अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। और मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी सेलेक्ट हुई थी, बट मैं कुछ कारणों की वजह से नहीं जा पाई। और 2020 में मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला ओपन, जो कि मैं पूमसे से खेलती हूँ। मतलब ताइक्वांडो में दो इवेंट होते हैं, पूमसे और क्योरगी। तो मैं क्योरगी एथलीट हूँ, मतलब मैं हमेशा से फाइट खेलती हूँ। बट मुझे मैंने लॉकडाउन में ये भी ट्राई किया, मतलब मैंने पूमसे भी खेला और पूमसे से मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला। तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और फिर मैं आगे ट्राई करूँगी कि मैं और अच्छा करूँ।